अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML डॉम ऑडियो ऑटो प्ले प्रॉपर्टी। ऑडियो ऑटो प्ले प्रॉपर्टी जो है वो इसको हम यूज करते हैं सेटिंग के लिए। जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं ऑडियो को, तो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं वीडियो प्ले को, लोड कर रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं डॉम ऑडियो ऑटो प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। इसको हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ऑडियो जो है वो हमारी इस तरीके की होनी चाहिए, शुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो और इस तरीके से हम जो है वो उसे लोड कर सके। तो सिंटैक्स की बात करूं, जिसके अंदर जो है वो रिटर्न दी ऑटो प्ले प्रॉपर्टी आता है, जिसके अंदर ऑडियो ऑब्जेक्ट डॉट ऑटो प्ले है। सेट दी ऑटो प्ले प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ऑडियो ऑब्जेक्ट डॉट ऑटो प्ले है और जो है इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स है। प्रॉपर्टी वैल्यूज है जिसके अंदर ट्रू फॉल्स है, इसको हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि हमारी ऑडियो जो है वो शुड बी ऑटोमेटिकली प्ले और प्ले होनी चाहिए और जिस तरीके से हम जो है वो लोड भी कर पाए और नहीं भी कर पाए लोडिंग वगैरह। तो सेकंड है जिसके अंदर रिटर्न वैल्यूज है, इसके अंदर जो है वो बोलियन वैल्यूज आ जाती है आपकी, जिसके अंदर ऑडियो जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली प्ले हो रही होती है, अदरवाइज जो है वो फॉल्स हो रही होती है। इसमें एग्जांपल है जिसमें आप इनेबल कर रहे होते हैं ऑटो प्ले जो है वो ऑडियो के लिए। सबसे पहले HTML है, जिसके अंदर बात करूं डॉक्यूमेंट टाइप है HTML की, जिसके अंदर आप ओपनिंग टैग जो है वो यूज कर रहे हैं। देन अगेन HTML ओपनिंग टैग, उसके बाद हेडिंग आती है ओपनिंग टैग, टाइटल ओपनिंग टैग है, इसके अंदर जो है वो ऑडियो ऑटो प्ले प्रॉपर्टी आती है जो आप रेलिवेंट डाटा पुट कर रहे हैं, और टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने क्लोज करना है। इसके बाद हेडिंग है जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट किया इसको। इसके बाद बॉडी स्टाइल आता है, जिसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर आती है, और हेडिंग वन जो है उसके अंदर स्टाइल आता है कलर ग्रीन, जिसके अंदर जो है वो कंटेंट आप पुट कर रहे हैं और हेडिंग वन से क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद हेडिंग टू की बात करूं, जिसके अंदर स्टाइल आता है, फॉन्ट फैमिली आती है, इम्पैक्ट आता है ऑडियो ऑटो प्ले प्रॉपर्टी में, जिसके अंदर हेडिंग टू जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद बार आता है, जिसके अंदर ऑडियो आईडी आती है आपकी, जो टेस्ट ऑडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले आता है वो आप जो है वो डाटा पुट कर रहे हैं। इसके बाद सोर्स आपने लिखना है, जिसके अंदर सैंपल डॉट डबल जी लिखा है, टाइप लिखनी है ऑडियो की वो आपने लिखनी है, देखें जरा ओ डबल जी है नीचे जो है वो, फिर जो है वो सोर्स पुट किया गया सैंपल डॉट MP3 का, और टाइप जो है वो ऑडियो MPG है। इसके बाद ऑडियो जो है वो आपने क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। पैराग्राफ की बात करूँ, जिसके अंदर ऑटो प्ले जो है वो आप इनेबल कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, डबल क्लिक जो है वो रिटर्न ऑटो प्ले स्टेटस आप ये बटन ऐड कर रहे हैं और पैराग्राफ जो है वो क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद बार की बात करूं, जिसके अंदर बटन एंड डबल क्लिक आया था आपका, तो वो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं बटन ऑन डबल क्लिक बाय ऑडियो माय ऑडियो, और रिटर्न कर सकते हैं ऑटो प्ले स्टेटस को, जिसके अंदर बटन जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद पैराग्राफ आईडी है, जो आप टेस्ट कर रहे होते हैं पैराग्राफ आईडी को क्लोज कर रहे हैं। स्क्रिप्ट की बात करूं, जिसमें ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया, और फंक्शन माय ऑडियो जिसके अंदर वेरिएबल ए है, और डॉक्यूमेंट जो है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेस्ट ऑडियो ऑटो प्ले, और ये जो है वो डाटा वगैरह पुट कर रहे हैं इनर HTML ए में। इसके बाद स्क्रिप्ट बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने जो है वो रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूँ, जिसके अंदर बिफोर क्लिकिंग का बटन यहाँ पे जो है वो हाफ पेज शो हो रहा है, तो जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गीक्स फॉर गीक है, और ऑडियो ऑटो प्ले जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो आप यहाँ पे देखें यहाँ प्रॉपर्टी बताई है, जिसके अंदर आप जो है वो ऑटो प्ले को इनेबल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डबल क्लिक से जो है वो चेक कर सकते हैं। इसकी बात करूँ रिटर्न ऑटो प्ले है, वो आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं जिस, तो ये जो है वो आउटपुट शो किया गया। अगर हम जो है वो रिटर्न ऑटो प्ले जो है वो उसकी पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैं आपको बता दूँ रिटर्न ऑटो प्ले स्टेटस है, सॉरी यहाँ पे रिटर्न ऑटो प्ले स्टेटस है। अगर हम जो है वो रिटर्न ऑटो प्ले स्टेटस पे क्लिक करते हैं आफ्टर क्लिकिंग दी बटन, तो यहाँ पे जो है वो देखें कि सेम प्रोसीजर है ऊपर भी, और यहाँ पे जो ऑटो प्ले जो है वो इनेबल कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे डबल क्लिक से, तो रिटर्न ऑटो प्ले स्टेटस जो है वो आपका ट्रू यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है वो HTML कोडिंग कर सकते हैं डॉम ऑडियो प्रॉपर्टी ऑटो प्ले में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।